गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएसबीसी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास जो थी अपनी, उसमें मैथ्स के अंदर अपन ने पढ़ रहे थे कि कैसे अपन अगर अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की, उसको अपन सोल्व करते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो फर्स्ट डिग्री एंड हायर ऑर्डर की होती है, उनको अपन कैसे सोल्व करते हैं। उसके अंदर अपन ने दो चीज़ें देखी थी, अगर पी की फॉर्म में इक्वेशन हो तो वो कैसे सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपन ने देखा अगर वाई की फॉर्म में हो इक्वेशन तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपनी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी किसके फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। एक्स की फॉर्म में अगर अपनी इक्वेशन है तो सिंपलीफाई कर उसको, देखो मान लो अपने पास इक्वेशन दे रखी है पी और यहाँ पे कुछ दे रखा है इसका फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स या वाई। तो इस केस के अंदर यहाँ पे अगर अपने को सोल्व करना है इसको, मेरे को करना है डी पी अपॉन डी एक्स करना है, तो इसका मैं क्या कर दूंगा डायरेक्ट डी एफ डी पी वन अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा अपना डी एफ वन एक्स वाई और सी। ये अपना क्या बन जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके बाद में अपन एक चीज देखते हैं, यहाँ पे अपना ये बन गया। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से अपन देखेंगे कैसे अपन एक्स की अगर फॉर्म दे रखी होगी उसको अपन सोल्व करेंगे। मेरा क्वेश्चन दे रखा है पी बराबर टेन ब्रैकेट एक्स माइनस का पी अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर, पी अपॉन वन प्लस का पी स्क्वायर को अपने को सोल्व करना है। इसके लिए देखो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे देखो मेरे को देखो टेन एक्स को मेरे को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एक्स की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको इधर लेके जा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा, ये इधर गया तो ये हो गया टेन इनवर्स पी माइनस वाई, प्लस हो जाएगा पी अपॉन वन प्लस का पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया अपना एक्स, बन गई अपनी एक्स की फॉर्म में। एक्स बराबर क्या आया टेन इनवर्स पी प्लस पी अपॉन वन प्लस का पी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स या अब इसको क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष, अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो इसको अगर मैं एक्स के सापेक्ष किया तो सॉरी इसको अपन करेंगे वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे मान लो जो डी एक्स है इसका एक्स का करूंगा तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई। अब मैं कर रहा हूँ टेन इनवर्स पी, टेन इनवर्स पी का अगर मैं वाई के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस का पी स्क्वायर, बचेगा क्या पी, पी का हो जाएगा डी पी अपॉन डी वाई प्लस अब है अपना पी अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर, इसको करेंगे अपन यू अपॉन वी से, यू अपॉन वी से किया तो नीचे आएगा पी स्क्वायर, चाहिए तो इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। फिर मैं कर रहा हूँ किसका पी का, मैंने क्या वन प्लस पी स्क्वायर, वन प्लस पी स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा वन प्लस डी पी अपॉन डी वाई, डी पी अपॉन डी वाई प्लस का अब करेंगे अपन किसका वन प्लस पी स्क्वायर, तो पी इंटू ये माइनस का आएगा माइनस का बी स्क्वायर होता है तो प्लस पी इंटू वन प्लस पी स्क्वायर, वन प्लस वन का जीरो हो गया इसका हो गया टू पी, पी इंटू टू पी डी पी अपॉन डी वाई बराबर अपना आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पी कॉमन ले लेंगे, पी कॉमन लिया तो अपने ये हो जाएगा ये वन अपॉन ये वाला जो पी है तो ये आ गया वन अपॉन पी बराबर मेरा क्या है वन अपॉन पी बराबर ये ये टू है तो ये हो गया माइनस का टू अपॉन वन प्लस का पी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई प्लस अपना ये वाली टर्म और बच गई, इस वाली टर्म को अपन क्या लिखेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ डी वाई बराबर ये डी वाई इधर आ गया तो ये हो गया माइनस का टू पी अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर डी पी इक्वल्स टू डी वाई। अब इसका क्या करेंगे अपन, इसका अपन कर देंगे कौन सा समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अब डी वाई है इसका तो हो गया वाई। अब मेरे को एक चीज बताओ इसका अगर मेरे को समाकलन करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू टी मान लिया मैंने तो इसको मैंने मान सकता हूँ इसको इसका हो जाएगा टू पी डी पी इक्वल्स टू डी टी ये बना तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी डी टी अपॉन इसको हो जाएगा टी स्क्वायर का होगा माइनस का वन अपॉन टी क्यूब माइनस का वन अपॉन टी क्यूब, टी क्यूब को अपन लिख देंगे यहाँ पे टी की जो फॉर्म दे रखी है उसमें कन्वर्ट करके यहाँ पे अपना समाकलन हो जाएगा तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा सी माइनस वन अपॉन पी
क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो अगर अपने को इक्वेशन एक्स के फॉर्म में दे रखी हो तो उसके लिए अपने को पहले करना क्या है, उसको पहले जो पी है उसको एक्स के फॉर्म में, फिर उसको वाई के सापेक्ष अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन अपना हुआ तो अपना जो टर्म्स आएगी उसका एक बार अपन समाकलन कर लेंगे, समाकलन करने के बाद में अपना जो सोल्यूशन आएगा वही अपना क्या रहेगा, जनरल सोल्यूशन रहेगा। अब उसके बाद में अपन जो अपने दो मेथड थे लाग्रांज और क्लेरिकट मेथड वो देखते हैं अपन। जो अपना पहला मेथड है वो है लाग्रांजेस मेथड, लाग्रांजेस मेथड। ये मेथड किसके लिए यूज करेंगे अपन, फर्स्ट डिग्री हायर ऑर्डर्स के लिए। अब ये ऐसे कहता है कि अगर y है, y बराबर मेरा दे रखा है x gp प्लस का अपना जो दूसरी टर्म है वो है fp, x gp प्लस का दे रखा है fp। तो मैं सबसे पहले इसका क्या करूंगा, dy by dx निकालूंगा। dy by dx मैंने निकाला तो dy by dx क्या हो जाएगा, अगर x का निकाला तो x बार आ गया, gp का क्या हो जाएगा, gp अपॉन gx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ gp, चलो पहले अपन gp कर लेते हैं, gp प्लस x, gp का करेंगे तो x बार आ गया, gp का हो गया g डैश p, ये बन गया g डैश p। अब फिर बचा क्या p, तो इसका हो जाएगा dp अपॉन dx प्लस का f डैश p dp अपॉन dx। कैसे बना, पहले किया अपन ने x का तो gp बार आ गया, x का किया g डैश p dp अपॉन dx प्लस f डैश p dp अपॉन dx। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ p माइनस का gp, p कौन सा बन गया अपन dy by dx को p लिख रहे थे, तो यहाँ से क्या बच गया x g डैश p dp अपॉन dx प्लस का f डैश p dp अपॉन dx, ये बच गया यहाँ पे। अगर अपना ये बचा तो इसको मैं dx अपॉन dp क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरा dx अपॉन dp बना, यहाँ से x g डैश p प्लस का f डैश p अपॉन p माइनस का gp। कैसे किया अपन ने, इसको इधर लेके गए तो ये dx अपॉन dp ये इसके डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से अपन dx अपॉन x g डैश p प्लस f डैश p, इसको मैं लिख सकता हूँ f डैश p अपॉन gp माइनस का gp। कैसे लिखा मैंने f डैश g अपॉन g माइनस का p, अगर ये इसका माइनस में जाएगा तो ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कौन सा f डैश p अपॉन p माइनस का gp। तो ये अपना कौन सा फॉर्मूला हो गया, लाग्रांज मेथड। अब इससे जो तो y की वैल्यू आएगी वो फाई किस किस की टर्म में आएगी, एक टर्म में आएगी p की टर्म में और एक आएगी c की टर्म में। तो अपना जो फाइनल जो आंसर रहेगा वो होगा gp प्लस का फाई पी। ये अपना क्या है, लाग्रांज मेथड का जनरल सॉल्यूशन। ये अपन इक्वेशन के अंदर पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में अगर अपना इक्वेशन कन्वर्ट हो गया तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में इसके जनरल सॉल्यूशन से आंसर निकालेंगे। दूसरा जो अपना मेथड है वो क्लेरिकट मेथड, क्लेरिकट मेथड। ये भी किस पे यूज करते हैं अपन, फर्स्ट डिग्री एंड हायर ऑर्डर्स निकालने के लिए। इसके अंदर मान लो वाई बराबर मेरा पी एक्स प्लस का फंक्शन हो, पी दे रखा है जो अपन ने यहाँ पे माना x gp था वो अपना दे रखा है y बराबर px प्लस का f भी दे रखा है, ये कोई अवकलन समीकरण की जनरल इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ से अगर मेरे को dy by dx निकालना है इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x dp upon dx प्लस का p प्लस का f dash p प्लस का dp into dp upon dx, ये अपना क्या बन गया dy by dx। अगर यहाँ से dy by dx निकाल लिया अपन ने तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, x plus का f dash p dp upon dx, ये हो जाएगा dy by dx minus का p। मैंने यहाँ से dy by dx minus का p, अब ये क्या है, ये भी इसको अपन क्या बोलते हैं p, तो ये हो गया 0। तो x plus f dash p dp upon dx की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। यहाँ से मैं अगर dp upon dx तो वो हो गया कौन सा, 0। अब 0 यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो p है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, c कांस्टेंट। ये मतलब p की p है ना वो क्या रहेगा, अचर रहेगा।
यहाँ पे पी की वैल्यू क्या रहेगी, अचर रहेगी। ये अपना कौन सा मेथड बताता है, क्लेरिकट मेथड। तो इन दोनों के लिए सबसे सिंपल चीज क्या है, सबसे पहले अपना वही अवकलन समीकरण की जनरल इक्वेशन होगी, उस जनरल इक्वेशन को देख के अपने को पता लगाना है कि अपने को लाग्रांज अप्लाई करना है या क्लेरिकट अप्लाई करना है। अगर अपने दोनों मेथड को अप्लाई करना आ गया, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसका dy by dx निकाल लेंगे। dy by dx निकालने के बाद क्या करेंगे, जो अपनी dp / dx की जो टर्म है उसको एक जगह कर लेंगे, उसका फिर अपन क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। जो अपना जनरल सॉल्यूशन होगा वही अपना क्या रहेगा, क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके अपना। क्वेश्चन दे रखा है y माइनस का पी एक्स, वाई माइनस का पी एक्स, पी माइनस का वन बराबर दे रखा है मेरे को, पी माइनस का वन बराबर पी दे रखा है। तो इसको फॉर्म सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरी फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन लिखता हूँ। जैसे ही अपनी जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन आ गई, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब वाई बराबर पी एक्स, पी माइनस का वन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई माइनस का पी एक्स बराबर पी अपॉन पी माइनस का वन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी माइनस का वन प्लस का पी एक्स हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, अपनी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन अगर अपनी ये आ गई, तो इसका हल कैसे निकाल लेंगे, पी है वहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे, सी, क्योंकि अपने को ये दे रखा है ना, अपने एफ पी प्लस का जी, अपनी जो क्लेरिकट इक्वेशन थी उसकी जनरल इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पी की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, ओनली सी। तो ये अपॉन सी अपॉन सी माइनस का वन, ये अपना क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन। ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्लेरिकट फॉर्म, जनरल क्लेरिकट फॉर्म। अपने किसके फॉर्म में लाग्रांज फॉर्म में है। तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको खोल के लिख लेता हूँ, एक्स पी स्क्वायर प्लस माइनस का ए पी स्क्वायर। यहाँ से क्या है, एक्स माइनस का वाई पी माइनस का वाई, तो ये हो गया एक्स पी वाई मल्टीप्लाई में आना इसके, सॉरी ये पी माइनस का वाई है, तो ये हो गया एक्स पी माइनस का वाई पी प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर डी वाई बराबर क्या आ गया, जीरो। अब यहाँ से मैं इसको एक जगह कर लेता हूँ, एक्स पी स्क्वायर प्लस उसके साथ जो एक्स की टर्म है कौन सी, एक्स पी, एक्स की टर्म जो जो है उसको मैंने एक जगह कर लिया एक्स पी। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, माइनस का वाई पी प्लस का वाई, यहाँ से है वाई पी माइनस का वाई पी प्लस ये माइनस का वाई इसके अंदर रह गया, उसको मैंने किया माइनस का वाई पी प्लस का वाई, और बचा क्या अपना यहाँ से ए पी स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ये डी वाई नहीं है यहाँ पे, अब अपन करेंगे क्या, अपना यहाँ से एक्स पी कॉमन आ रहा है, एक्स पी मैंने कॉमन लिया, अगर मैंने यहाँ पे एक्स पी कॉमन लिया तो हो गया पी प्लस का वन, माइनस यहाँ पे वाई पी प्लस का वाई है, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा, वाई कॉमन लूंगा, तो ये क्या बन गया, पी प्लस का वन इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर, एक्स पी पी प्लस वन माइनस का वाई पी प्लस वन, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स पी माइनस का वाई, और दूसरा अपने पास क्या बच गया, p प्लस का वन, तो एक्स पी माइनस का वाई और p प्लस वन अपनी क्या आ गई, इक्वल्स टू किसके, ए पी स्क्वायर के। एक्स पी माइनस का वाई और p प्लस वन किसके इक्वल आ गया, ए पी स्क्वायर के। तो यहाँ से एक्स पी माइनस वाई क्या बन जाएगा अपना, एक्स पी माइनस का वाई अपना यहाँ से आ गया ए पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस का वन, ये अपना क्या बनेगा, यहाँ से इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इक्वेशन बनी उसके इक्वल्स टू क्या करूँगा, अगर मेरे को वाई की वैल्यू निकालनी है तो अपनी वाई क्या रहेगा, यहाँ से एक्स पी प्लस का ए पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस का वन। अब अपनी जो पहले इक्वेशन दे रखी थी किस
फॉर्म में थी, लाग्रांजे फॉर्म में। अब अपनी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, क्लेरिकट फॉर्म में। तो इस फॉर्म में अगर अपनी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई तो इसमें क्या करेंगे अपन, y की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, p की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, c। तो अपना जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा xc plus का ac square upon c plus का 1। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे सिंपल है, चाहे लाग्रांजेस मेथड अप्लाई करें चाहे क्लेरिकट मेथड अप्लाई करें, लास्ट में अपनी ऊपरना क्या है, जो पी है उसकी वैल्यू अपने का क्या पुट करनी है, सी पुट करनी है। अगर अपना इक्वेशन के अंदर पहले मान लो अपने लाग्रांजेस फॉर्म में दे रखी है, तो उस इक्वेशन को अपन किस में बनाने की ट्राई करेंगे, क्लेरिकट में। क्लेरिकट में अगर अपनी इक्वेशन बन गई तो उस क्लेरिकट इक्वेशन में अपन जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अपना पी है उसकी जगह अपन क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वो जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, मतलब योग्य समीकरण आएगा किसका, क्लेरिकट फॉर्म का, उस फॉर्म को अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। बोल रखा है मेरे को, अगर इक्वेशन दे रखी है क्लेरिकट समीकरण के रूप में परिवर्तन योग्य समीकरण, मतलब अपना अगला जो नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्लेरिकल फॉर्म, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्लेरिकल फॉर्म। इसके लिए अपने को क्या बनाना है, इक्वेशन अगर क्लेरिकल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दे रखी है तो उसको अपन क्या करेंगे, क्लेरिकल फॉर्म में बनाएंगे। इसके लिए जनरल इक्वेशन होगी वो होगी फाइन एक्स वाई, और जब अपना जो दूसरा इक्वेशन दे रखा वो होगा फाई पी वाई अपॉन एक्स। तो ये अपनी इसकी जनरल इक्वेशन आ गई। इसको अगर अपने को बनाना है किसकी फॉर्म में, तो अपन क्या करेंगे, x बराबर रूट यू और y बराबर क्या करेंगे, रूट बी। x बराबर रूट यू और y बराबर रूट बी अगर अपने इक्वेशन में अंदर पुट किए, तो अपनी जो जनरल इक्वेशन आएगी वो आएगी e की पावर एम वाई इक्वल्स टू एन माइनस का एम पी, दे रखा है अपना n माइनस का एम पी बराबर, जो अपनी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट बन जाएगी वो बनेगी फाइव पी की पावर सी एम एक्स माइनस का जो अपना बनेगा वो एम वाई माइनस का एम एक्स। इस फॉर्म में अपने को इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, इस फॉर्म में अगर अपनी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी तो अपना क्या बन जाएगा, क्लेरिकट फॉर्म। क्लेरिकट फॉर्म में अगर इक्वेशन पुट हो गई तो अपने उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जनरल सॉल्यूशन में जहाँ जहाँ पी है वहाँ क्या पुट कर देंगे, अपन सी पुट कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका क्वेश्चन अपने पास दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस का पी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का पी एक्स बराबर जो दे रखा है मेरे पास है वो है वाई पी स्क्वायर, y इंटू पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ क्या u, और अपना जो y है y स्क्वायर उसकी जगह मैं पुट करूँगा क्या v। अपना इक्वेशन हो गई, x स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया u, y स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया, तो x की वैल्यू होगी रूट यू, y की वैल्यू होगी रूट वी। तो मैंने किस में बताया था, इसकी जनरल फॉर्म में। अगर मैंने इसको मान लो, इसको मैं करता हूँ इसको डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वी डी यू, और टू वाई डी वाई इक्वल्स टू बन गया अपना डी वी बना। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ से पी निकालेंगे, पी क्या होता है अपना डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा, यहाँ दो फॉर्म बनेगी किस किस की, एक तो यू की और एक वी की। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, अब वी आएगा या यू आएगा, इसको मैं डी वी अपॉन क्या लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन डी यू, डी वी अपॉन डी यू लिखा तो मैंने यहाँ से ये हो गया एक्स अपॉन वाई। अब क्या है डी वी, डी वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टू वाई डी वाई, और इसकी है टू एक्स डी एक्स। तो अपना जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट का, सॉरी इसको u अपॉन v की वैल्यू रखता हूँ, अगर मैंने u x अपॉन y की वैल्यू रखी तो x हो गया रूट यू अपॉन रूट वी, तो हो गया रूट यू अपॉन रूट वी डी वी अपॉन डी यू। ये अपनी इक्वेशन आ गई, और डी वी अपॉन डी यू को अपन क्या लिखेंगे, p। तो ये अपना बन गया p, रूट यू डी वाई अपॉन डी यू इक्वल्स टू p। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो दे रखी है उसके अंदर अपन क्या पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू। तो ये हो गया u, y की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, y की जगह मेरा क्या है रूट वी, तो
माइनस का रूट वी माइनस का पी की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, अंडर रूट का यू अपॉन वी। फिर है अपना एक्स, एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, रूट यू। बराबर वाई की जगह मैं पुट कर रहा हूँ रूट वी। पी स्क्वायर अपना बन जाएगा ये यू अपॉन वी, यू अपॉन वी अपना बन गया पी स्क्वायर, यू यू इंटू वी इंटू पी। ये पी भी आएगा इसका यू अपॉन वी, पी स्क्वायर की जगह अपना आएगा यू अपॉन वी, और जो अपना पी है उसकी जगह क्या आ जाएगा इंटू पी स्क्वायर। अपनी इक्वेशन बनी यू रूट वी माइनस का अंडर रूट का यू अपॉन वी पी इंटू रूट यू माइनस का रूट वी यू अपॉन वी इंटू पी स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे यहाँ से वी, ये है ये बनेगा वी माइनस का, अपनी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो ये क्या वी और ये हो गया माइनस का यू पी, तो वी माइनस का यू पी इक्वल टू अपन पुट करेंगे पी स्क्वायर। तो अपनी जो इक्वेशन हुई वी माइनस का यू इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ से जो वी आएगा वो क्या बनेगा वी बराबर यू पी प्लस का पी स्क्वायर। वी बराबर अपना यहाँ पे यू पी प्लस का पी स्क्वायर बना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ जहाँ अपनी है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दूंगा मैं वी सी, सॉरी तो वी बराबर अपना आंसर आएगा वो आएगा यू सी प्लस का सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपना जहाँ जहाँ वी है वी की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो वी की वैल्यू है वाई स्क्वायर, यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, सी प्लस का सी स्क्वायर। तो ये अपना क्या बन गया जनरल सॉल्यूशन। तो अगर अपने को इक्वेशन दे रखी हो किस फॉर्म में, अगर अपने को इक्वेशन रेड्यूसिबल करनी है क्लेरिकट फॉर्म में, सबसे पहले अपने को करना क्या है, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है उसकी जगह अपने को यू पुट करना है, जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर है उसकी जगह वी पुट करना है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से अपन जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी होता है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे उस इक्वेशन, उससे अपने एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे, और ये जनरल इक्वेशन जो बनी वो किस फॉर्म में होगी क्लेरिकट फॉर्म में। क्लेरिकट फॉर्म में अगर अपनी इक्वेशन हो गई तो उस फॉर्म में अपन क्या करेंगे पी इक्वल्स टू सी पुट करेंगे और अपना उससे जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी के साथ अपना यह वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली जो क्लास रहेगी उसमें अपन देखेंगे अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे होता है फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्रीज का। थैंक यू।